हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, जिसका आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हमारे सामने में पेश है बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। और हम आपके लिए वीडियो बनाने आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर। और हमारे सामने में खड़ी हुई है एकदम न्यू गाड़ी है, लगभग एक महीना हुआ होगा। और इसके जो मालिक हैं, ओनर हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है ये कैसी है, कितने देर में चार्ज होती है, इसका रिस्पॉन्स कैसा है और गाड़ी चलने में कैसी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसका जो कलर है, डिज़ाइन है, काफ़ी शानदार है। जो आपको सामने में बड़े हेडलाइट मिल जाएंगे, थोड़ा लाइट चालू करो, लाइट दो, बड़े हेडलाइट है। इसके बाद में इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और एक बड़ा सा ग्लास मिल जाएगा, ये वाला, जिससे कि आप अंदर बैठे बैठे बाहर का पूरा नज़ारा अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक आपको वाइपर मिल जाएगा और दो साइड ग्लास मिल जाएंगे दोनों साइड में। और गाड़ी काफ़ी शानदार है। मैं अभी इसमें लगभग जो यात्रा किया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम शानदार स्मूथ है। और बैठने के बाद में आपको कोई भी परेशानी और कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, इसकी वजह से इसमें कोई आवाज़ नहीं है। और इसके जो ओनर हैं, मालिक हैं, हम उनसे पूछेंगे और आपको जानकारी बताएंगे। दोस्तों आप पीछे से देखेंगे तो देखने में काफ़ी शानदार एकदम लग रही है। पीछे में आपको बजाज की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बजाज आरी लिखा हुआ है। और पीछे का जो लुक है, चौड़ाई काफ़ी शानदार है, जिससे कि गाड़ी आपकी कहीं पलटी खाने की समस्या ही नहीं रहेगी। इसमें क्या क्या फीचर हैं जो कि अदर गाड़ियों में नहीं है, इसमें सबसे बड़ी शानदार अच्छी बात है कि आपको चार्जर साथ में लेके घूमना नहीं पड़ेगा। इसमें चार्जर लेके घूमना नहीं पड़ता है, इसके साथ में एक वायर आती है, वो आपको लेके घूमना पड़ता है। 3+1 की पासिंग मिल जाएगी, एक बड़ी सी सीट है और दोनों साइड में आपको दरवाजे मिल जाएंगे। दरवाजे इस प्रकार से लॉक वाले मिलेंगे, दरवाजे लॉक हो जाते हैं दोनों साइड में। अब पूरी तरह से प्योर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है। भाई साहब ने अलग से ये बम्पर लगवाया हुआ है सेफ्टी के लिए, ताकि गाड़ी के जो हेडलाइट है इसमें कोई डैमेज ना हो, अगर किसी प्रकार से कोई हादसा होता है तो ये सेफ्टी रहेगी। ये बहुत ही हैवी एंगल से उन्होंने लगवाया हुआ है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसकी बैटरी ड्राइवर सीट के ऊपर दी हुई है, ड्राइवर सीट के नीचे है सॉरी। और इसका जो डैशबोर्ड है एकदम बहुत ही स्मार्ट है, कार के जैसा देखने में डैशबोर्ड है। और यहाँ पे स्टैंड इन्होंने लगाया हुआ है मोबाइल रखने के लिए, देख सकते हैं। डैशबोर्ड एकदम शानदार है, बड़े बड़े आपको साइड ग्लास मिल जाएंगे। अच्छा, ये लाइट आपने अलग से लगाया है? अच्छा, ये लाइट यहाँ पर है, ये लाइट थी। अच्छा अच्छा तो हमने लगवा दिया। अच्छा, और इसका मीटर है, टोटल डिजिटल मीटर मिलेगा आपको, मीटर में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और काफ़ी शानदार है, इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। पीछे में आपको जो बची हुई जगह है, यहाँ पे आप बैग वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि ये बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे मैं अपना ऐसा बैग रख दूँगा। और इसको इन्होंने थोड़ी हाइट करवाया है लेने के बाद में, बराबर है? नहीं सर, हाइट उतनी। अच्छा, हाइट इतनी है। इसमें आपने क्या काम करवाया है लेने के बाद? अच्छा, ये पत्ते लगवाए दोनों साइड में सेफ्टी के लिए, मजबूती के लिए। पुलिस वाले डंडा मारते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, कुछ नहीं होगा। और ये रेगजीन भी आपने लगवाया है, सीलिंग 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 है ना, ओके। तो गाड़ी बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़े टायर हैं, शानदार डिज़ाइन और स्टाइलिश गाड़ी है। अच्छा, ये कंपनी से लगा हुआ मिला है? लगवाया मैंने, मिला है कंपनी। अच्छा, यानी कि पैसा आपका लगा होगा लेकिन कंपनी दे रही है? कंपनी एक्सेसरीज में दे रही है। ओके, तो इसका कितना पैसा लगा है आपका? मुझे पता है दोस्तों, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, और ये वही लोग वीडियो देख रहे हैं जो लोग कमेंट करते हैं कि भाई साहब बजाज की जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है उसका आप कस्टमर का रिव्यू लो,
कस्टमर का रिव्यू हमें बताओ कि आखिर गाड़ी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो जो इसके मालिक है, ओनर है, हम उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये गाड़ी कैसी लग रही है उनको चलाने। काका जी नमस्कार। नमस्कार काका जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधेश्याम गौतम है। राधेश्याम गौतम जी। अच्छा गौतम जी, आप कितने दिन से चला रहे हैं बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो? ये जब हमारे यहाँ 7 तारीख को लॉन्च हुई थी और 12 तारीख को मेरी गाड़ी मिल गई थी मुझे। अच्छा, आपने 12 तारीख को लिया, सितंबर में? 12 सितंबर में लिया है और तब से मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। अच्छा, और तो गाड़ी आपको कैसी लग रही है चलाने में? बहुत बेहतरीन लग रही है, इसमें थकान नहीं महसूस होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब अगर आप सही से चलाते हैं तो इसका बैटरी बैकअप भी है बहुत अच्छा। अच्छा, बैटरी तो बैकअप मतलब ये है सर, इसको जब छोड़ देते हैं एक्सीलेटर और गाड़ी रनिंग में होती है। अच्छा, तो हमारी बैटरी चार्ज भी हो जाती अच्छा, है, यानी कि चलते चलते चार्ज होती है। चलते चलते चार्ज। जी जी जी। तो आपके मन में इलेक्ट्रिक लेने का ख्याल कैसे आ गया? आपने इलेक्ट्रिक ही क्यों ली? इलेक्ट्रिक इसलिए ली कि ऑलरेडी मेरे पास CNG पहले से थी। अच्छा, CNG में 370-350 की गैस डलानी पड़ती है। अच्छा, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक का 50 रुपये खर्चा आता है। अच्छा, इस गाड़ी में? इस गाड़ी में 50 रुपये खर्चे में 150 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, 150 चल जाती है? जी सर। लेकिन कंपनी तो 178-179 किलोमीटर सिलेक्ट करते हैं, एकदम बैटरी खत्म नहीं करना है सर, एकदम बैटरी मान लीजिए जी कम से कम 10-12 पॉइंट बच जाती है और कभी कभी क्या होता है 160 भी चल जाती है। अच्छा जी। तो आपको जैसे एक महीना के आसपास हो गया जी, तो अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी चलती है, क्योंकि तो अपने हाथ खुद ड्राइव करता हूँ। अच्छा जी। तो जैसे कि आप एक महीने से चला रहे हैं जी, तो चार्ज आप कहाँ करते हैं? अपने घर पे। घर पे जी। और बाहर रोड पे कहीं सर्विस सेंटर या चार्जिंग पॉइंट? सर्विस पॉइंट बता रहे हैं लेकिन अभी हम वहाँ पर गए नहीं। आप गए नहीं जी। तो जैसे घर में 60-70 रुपए का लाइट बिल आता है एक बार चार्ज? 50 रुपए के। आप तो कितना टाइम लग जाता है चार्ज होने? 3.5 घंटे लगता है। 3.5 घंटे? 3.5 घंटे में फुल चार्ज? फुल हो जाती चार्ज है। और 160 किलोमीटर चल जाती है? 160 कभी 165 165 मतलब यानी कि 150 से प्लस ही चलती। अच्छा, है 150 से ज्यादा ही चलती जी। तो आप इस आपको ये इलेक्ट्रिक ही लेने का आपके मन में ख्याल कैसे आया? मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक महिंद्रा है, आपे है, कनेटिक है, बहुत सारी हैं। तो आपने बजाज ही क्यों ली? बजाज ही ले ली कि बजाज मेरे पास पहले CNG की थी। अच्छा। और बजाज की मेरे पास एक समय था 18-18 गाड़ियां मैं चलवाता था। अरे बाप, आज मैं स्वयं चलाता हूँ। बजाज पे मुझे पूरा विश्वास है। और जब इंसान पे किसी चीज पे विश्वास होता है ना, तो फिर उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो हमें बजाज पे पूर्ण रूप से विश्वास है। महिंद्रा आई, प्याजो आई, लेकिन लोगों ने कहा ले लीजिए, तब तक मैं CNG चलाता था। तो आपको दूसरी गाड़ी में क्यों नहीं इंटरेस्ट है? क्या कमी है और इसमें क्या फायदा है आपको? महिंद्रा में फाइबर है, वो अगर कहीं टच हो जाती है तो टूट जाता है, उसका अंग गायब हो जाता है। फाइबर होने की वजह से उसमें मजा नहीं आ रहा जी। और आपे तो अच्छी है ना? आपे तो मजबूत, आपे अच्छी है, लेकिन आपे पे मुझे उतना फेथ नहीं हुआ। कहते हैं ना, किसी चीज पे जब विश्वास हो जाता है ना। यानी कि आप बजाज के दीवाने? जी सर। तो आपको कब जानकारी मिली कि बजाज की ऑटो रिक्शा आने वाली है? आपने कब इसके बारे में? हमें तो मार्च में ही पता चला था कि मार्च में आने वाली है। मैं वेट किया, और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा। तो मैंने वेट किया मार्च में नहीं, फिर अप्रैल देखा, अप्रैल नहीं मई, फिर जून, फिर जुलाई, और पता चला अगस्त में वो इसकी बुकिंग हो रही है। अच्छा। मैंने 19 तारीख को बुकिंग करा दी और मुझे 12 तारीख को गाड़ी मिली। तो लगभग आप 7-8 महीना वेट किए जी गाड़ी के जानकारी जुटाने के बाद में कि लॉन्च हो गई है जी, आ गई है। तो आप 7-8 महीना वेट किए, इसके बाद आपको सितंबर में गाड़ी मिली जी। जब लॉन्चिंग हुई, लॉन्चिंग में मैं गया था वहाँ। अच्छा। RTO ने मतलब पूरे प्रोग्राम हुआ। हाँ। और उसमें बताया इसके इसके फायदे, और वो जो इतने फायदे बताए उससे बहुत बेहतर है। अच्छा, तो इसको चार्जर तो इसमें साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। इसमें बता देता है कि कितने पॉइंट अभी कितने किलोमीटर गाड़ी आपकी चलेगी चलेगी, तो उसी हिसाब से आप बैकअप मान के आदमी माइंड में रहता है ना कि हमें 10 किलोमीटर रह गया है तो हम इतनी दूरी जाएं कि हम घर तक वापस आ जाएं। अच्छा, लेकिन मैं सुना हूँ इसमें एक कमी है कि थोड़ी गाड़ी छोटी है दूसरी गाड़ियों से। अब छोटी गाड़ी लोग बताते हैं लेकिन हमें तो नहीं अच्छा लग, कोई देखिए लोगों का मत है कहना। अच्छा, लोग कुछ भी कहते हैं किसी। मतलब आपका कहना है कि लोग बोलते रहते हैं कमी, कुछ ना कुछ निकालते रहे। अब लोग कहते हैं सर ये जो पर्दा है वो ऊपर क्यों उठाया? तो हमने कहा भैया पहिया बड़े हैं। हाँ। इसलिए अगर उठाते नहीं तो सर में इंसान के लगता है। बिल्कुल, इसलिए वो बड़ा है। नहीं, ऐसा मैं सुना हूँ कि ये जो आगे से पीछे है 6 इंच की छोटी है। आप अगर आगे सवारी कोई आप 2 बैठा लेंगे तो आपके घुटने डैशबोर्ड में लगते नहीं सर। सही बात है। नहीं, हम तो बहुत आराम से चलाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है
कि सर थकान एकदम नहीं लगती, एकदम नहीं, जरा सा भी मजा आ जाता। मैं अभी अभी कोई कहे चलाने को तो मैं चलाता रहूंगा। अच्छा, ये चीज है। तो जैसे ये थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे को, महिंद्रा वाली लग रही। देखिए सर, ये वीडियो में दिखा दीजिए। मतलब जैसे इंसान का काट दिया जाता है ना, तो इंसान का तो लग जाता है लेकिन उसका लग नहीं पाता। तो आपकी डेली इनकम कितनी हो जाती है? इनकम सर एक से प्लस हो जाती है, 1000 से ज्यादा कमा लेते हैं आप डेली की कम? जी, सिंगल चार्ज में। जी, तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कोई खरीदना चाहता है, आपके दोस्त भाई हो गए जी, तो आप उनको क्या सलाह देंगे, क्या बोलेंगे, कौन सी गाड़ी लेंगे? मैं तो सलाह यही दूंगा कि ये बजाज की ही लें, बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो। जी, तो आपको ये कितने में पड़ गई? हमको ये पड़ी 331655 रुपए। 331655 ऑन रोड नगद में? नगद में। अगर कोई फाइनेंस कराएगा तो उसका अलग, उसका वो तो जो बैंक वाले लेंगे या प्राइवेट वाले लेंगे ब्याज वो तो। अच्छा, जैसे सवारी इसमें बैठती होगी तो सवारी क्या बोलती है? सवारी कहती है बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई खटपट नहीं, कोई आवाज़ नहीं है, तो बढ़िया गाड़ी है, मज़ा आ जाता है। तो अच्छा, लोग ढूंढते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तो जल्दी लॉन्च हुई है, तो जो एक बार बैठ जाता है तो यही गाड़ी ढूंढता है। अच्छा, चलिए। तो दोस्तों, आपने सुन लिया होगा कि ये जो इसके मालिक है, ओनर है, उनका कहना है कि बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में और लगभग 1000 से ज़्यादा उनकी डेली की कमाई हो जाती है। 150 किलोमीटर ये फुल चला लेती है एक बार चार्ज करने के बाद में, और लगभग 3.5 घंटे में चार्ज होती है। और एक बार जो चार्ज करने का खर्चा आता है 50 से 60 रुपए का खर्चा आता है लाइट बिल का, और 50 से 60 रुपए खर्चा करके आप 1000 से ज़्यादा की इनकम कर सकते हैं। और नए ज़माने की नई ऑटो रिक्शा है बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो, कलर काफ़ी शानदार है, डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है और मार्केट में आते ही धूम मचा चुकी है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।